अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फर्रुख और आज मैं और हंसा जो रेसिपी लेकर आए हैं वो अगर इफ्तारी में हो तो इफ्तारी का मज़ा दुबला हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चटपटी चना चाट की, जो तकरीबन हर घर में इफ्तारी के वक्त आपको दस्तरखान पर नज़र आएगी। तो चलें हम भी आज इफ्तारी के लिए बनाते हैं चटपटी चना चाट। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं, एक टेबल स्पून चीनी, दो टेबल स्पून चाट मसाला, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दो टेबल स्पून लीमू का रस, एक बोल इमली और आलू बुखारे का पानी, थोड़ा धनिया और सब्ज़ मिर्चें ले लें, दो अदद चॉप किए हुए टमाटर, दो बड़े साइज़ के प्याज चॉप कर लें, तीन अदद आलू लेकर बॉयल कर लें और टुकड़ों में काट लें, आधा किलो सफ़ेद चने लेकर बॉयल कर लें। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हम उबले हुए सफ़ेद चने डाल देंगे, उसके बाद उबले हुए आलू जिनको हमने बारीक काट लिया था वो डाल देंगे, फिर डालेंगे इसमें टमाटर, फिर उसके बाद डलेगा प्याज, अब डलेगा इमली और आलू बुखारे का पानी, लीमू का रस, फिर डलेगी इसमें चीनी, अब डलेगा इसमें चाट मसाला। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आखिर में गार्निश के लिए जो हमने धनिया और सब्ज़ मिर्चें रखी थी वो डाल देंगे ऊपर। थोड़ा सा मिक्स करें। लें जी, हमारी चटपटी चना चाट तैयार हो गई है। अब हम उसको बाउल में डालते हैं और अपने मेहमानों को सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी ये स्पेशल चना चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको दोबारा एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।